गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज लेते हैं हम प्रश्नावली नंबर 11.3। इसमें घनाव, घन और बेलन संबंधी प्रश्न है। पिछली वीडियो में मैंने इनके सूत्र लिखवा दिए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि ये दो आकृतियाँ हैं, एक तो घनाव है और ये घन है, ठीक है ना। तो दोनों आकृतियाँ दी गई चित्र में घना वाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? अब ये डबो डिब्बे बनाने हैं तो इसमें कम सामग्री किस में लगेगी? इसका मतलब सामग्री लगने का मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्र पर निकालना है। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्र पर निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर। जिसका कम आएगा उसमें कम सामग्री लगेगी। तो इसमें इस घनाव, पहले वाला घनाव है, ये घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया? 2lb bh + ha। ये तो इसमें लंबाई l कितनी है, ये रही 60, ये b होगी और ये क्या है, h है। तो इसके मान रख देंगे तो 2l का मान कितना है, 60 गुणा b कितना है, 40 प्लस बी 40 इंटू एच 50 प्लस एच 50 इंटू एल 60, सबके मान रख दें। अब क्या करना है, दो ये हो गया, अब 6 चौक 24, तो ये कितना आएगा, 2400 हो गया, प्लस 4 पंजे 20 2000 हो गया, प्लस 6 पंजे 30 3000 हो गया, 2 जीरो और आ जाएंगे। अब टोटल करें तो इनका 3000, 2000 और 2400 मिला के ये कितना आएगा, 2×00 आ गया। अब यहाँ पर 4, 3 और 2 5 और 2 7, तो ये आया तुम्हारा कितना आया, इसका 2 का मल्टीप्लाई और कर दो इससे, तो कितना आएगा, 0 0 और 8 7 2 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका निकालते हैं, है ना। तो ये क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय कहते हैं या पृष्ठीय कहते हैं, एक ही चीज़ है ये। पृष्ठीय का मतलब ये संपूर्ण है। तो यहाँ कितना होता है, 6 भुजा स्क्वायर बताया था इसका, तो 6×भुजा कितनी है, इसमें देखो ये भुजा है तुम्हारी, 50 50 50 सारी हैं, तो 50 यहाँ पर भुजा कितनी होगी, 50 का स्क्वायर यानी 50×50। तो अब देख पाएंगे भी किसका ज़्यादा है। अब यहाँ पर गुणा कर लें, 5×25 25×150 कितना आया, 150 और 2 जीरो ये आ गई, तो इसका तो 1500 आया। उसका कितना आया था, इसका आया 15000, इसका आया 14800। कौन सा ज़्यादा है, ये घन ज़्यादा है। अतः यहाँ के क्या कह रहा है, किस में सामग्री कम लगेगी, वो कह रहा है किस डिब्बे को बनाने में सामग्री कम लगेगी, तो घनावाकार डिब्बे में कम लगेगी। अतः लिखेंगे यहाँ, पहले चेक कर दो, 14800 क्या है, कम है 15000 से। अतः लिख सकते हैं हम, अतः घनावाकार प्रथम डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 80, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पेज नंबर 194 पर है बुक का।
80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेमी माप का एक सूटकेस है। कितना है? 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। सूटकेस एक तरह का बक्सा होता है, सूटकेस जानते हैं जिसमें कपड़े रखते हैं। सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है, त्रिपाल बनाना है, त्रिपाल से ढकना यानी कवर बनाने हैं। तो 100 सूट से ढकने के लिए 100 सूटकेस हैं और 96 सेंटीमीटर चौड़ाई के कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी? तो यहाँ त्रिपाल की चौड़ाई भी और दे रखी है, कितना है? 96 सेंटीमीटर। इससे इसको ढकना है, तो इसका मतलब जो इसका कपड़े का क्षेत्रफल है वो कपड़े से त्रिपाल ढका जा रहा है। तो कपड़े का क्षेत्रफल और 100 सूट केसों का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई का क्षेत्रफल किसके मान लेंगे? 100 सूट केसों का पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले तो एक का निकालो, तो अब निकालेंगे यहाँ पर। तो इसको मान लेते हैं, क्या मान लें? एल। इसको एल मान लें, इसको बी मान लो, इसको एच मान लो। तो एक या प्रत्येक लिख सकते हो, प्रत्येक सूट केस है ना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। इतना ही तो कपड़ा ढकने में लगेगा, तो ये आएगा तुम्हारा 2lb + bh + hl। अब यहाँ पर 2 l का मान कितना है? 80 मान इंटू b 48 प्लस b 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, ये एक सूटकेस का होगा। तो अब देते हैं यहाँ 2, इसमें 0 8 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 कितना हो गए? 38। प्लस इसका गुणा करो, यहाँ पर 48 का ऐसे गुणा कर लेंगे 24 में, कितना आएगा? 4 8 32, 4 चौक 16 19, और ये 48 19 कितने होंगे? 96। अब ये जोड़ दिया तुमने 5 10 11, यह 1152 आ गया। प्लस इसको गुणा करो, 8 चौक 32 आंचल का 3, 8 दूनी 16 3 19। अब ये तीनों को जोड़ दो यहाँ पर, तो 2 गुणा ये 0 2 और 0 2। अब दूसरा डिजिट जोड़ो, 2 5 7 4 11। अब तीसरा जोड़ो, 10 1 11 और 9 19 2 3 और 3 6। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? दोनों को ऐड कर लो। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा तुम्हारा? 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 4 2 9 दुनी 18 6 दुनी 12 1 13, इतने क्या हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? ये एक सूटकेस के लिए है, एक सूटकेस का है ना। तो एक सूटकेस का क्षेत्रफल, एक सूटकेस को ढकने के लिए है ना, एक सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक क्या है? त्रिपाल कितना होगा? ये है, लेकिन ये हमें किससे बनाना है? एक कपड़ा है 96 सेंटीमीटर चौड़ा, अब कितना लगाएगा? तो इसमें एल इंटू बी लगाए तो 13,000 या 824 हो गया। अब L पता नहीं है, यहाँ 96 सेंटीमीटर था,
तो 13,824, तो ये एल बराबर कपड़े की लंबाई कितने आएगी, 13,824 में 96 से डिवाइड कर। तो यहाँ पर आप 96 का इसमें भाग दे दो, 13 कितना है, 13,824 में, तो एक बार गया, यहाँ कितना आया, 2, 4, 2 है ना। अब कितने आएंगे, 4 बार दे दो, तो 4 × 24 का 4, असल का 2, 4 × 9 = 36, 37, 38। अब कितना बचा, यहाँ 8, यहाँ 11, 3, 38, और ये आ गया तुम्हारा 4। अब फिर 12, 11, 4, तो ये कितना आएगा, 144 क्या आया सेंटीमीटर। तो एक एक सूट केस के लिए आया ये लंबाई। अतः आपको कितने बनाने हैं, 100 सूट केसों को ढकने के लिए आवश्यक तिरपाल की लंबाई बराबर क्या होगी। एक को तो 144 आई है, तो 100 को कितना आ जाएगी, गुणा 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी तुम्हारी इतने सेंटीमीटर, या लिख सकते हो 144 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे तो मीटर, इतने मीटर आंसर आ जाए। कितनी, 144 मीटर तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगला, तीसरा, कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इसमें, ठीक है। तो जो चीज़ दी जाती है या ज्ञात की जाती है हम उसका सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर घन, जैसे लूडो की गोटी बताई थी। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताया, 6 भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है, 600। तो भाई लोगों, भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर कितना होगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 600/6, कितना आएगा, 100 आ गया। तो 100 आ गया, तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी तुम्हारी, भुजा इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पर √100/10 cm। तो कितनी आ जाएगी उसकी भुजा, 10 सेंटीमीटर आएगी। तो ये पूछ रहा था कि घन की भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा कितनी आई, 10।